तो हाँ भाई, वी आर बैक विद अनदर सीरीज। तो ये वाली जो सीरीज है ये काफी ज्यादा लंबी चलेगी, क्योंकि आज तक हमने एक भी सीरीज का दूसरा पार्ट तक नहीं बनाया। तो आज की इस वाली वीडियो में हम सरवाइव करने वाले हैं 50 डेज ऑन दिस आइलैंड। हाँ, ये एक आइलैंड है, इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन हम फिर भी सरवाइव करने वाले हैं। और आज की इस वाली वीडियो का हमारा गोल कुछ यूँ होगा कि हमने एक फुल डायमंड आर्मर बनाना है और उस पर अच्छी अच्छी इंचांटमेंट्स लगानी है। उसके बाद हमें एक बहुत बड़ा एरिया माइन करना है, क्योंकि इस वीडियो के नेक्स्ट वाले पार्ट्स में हम सिर्फ बिल्ड करेंगे और एक बहुत बड़ा बेस बनाएंगे। मस्त प्लान है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय आर्ट बाय मेनू। तो ये एक इंस्टाग्राम क्रिएटर है जो बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स और स्केचेस बनाती है। अगर आपको कोई भी स्केच या पेंटिंग बनवानी है तो अभी जाएं और चेकआउट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कुछ नहीं भी बनवाना तो आप चेकआउट जरूर कर लेना, शायद आप बनवा ही लें। और हाँ, फॉलो करना मत भूलना और हर फोटो को लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगती है इस काम में। और हाँ, फॉलो से याद आया, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। ये वाली जो जगह है ये एक बहुत बड़ा आइलैंड है और इसी पे हम बनाने वाले हैं अपना बेस और यहीं पे हम करने वाले हैं सर्वाइव। तो भाई, स्पान होते ही मैं ढूंढने लगा एक माइन और रोल बाइसाइकिल लकड़ियाँ काट रहा था, मतलब वुड काट रहा था। तो यहाँ आते ही मैंने कुछ स्टोन तोड़ा और उनसे टूल्स भी तो बनाने थे। यहाँ पे मुझे कुछ आयरन भी मिला तो मैंने इसे भी माइन कर लिया। उसके बाद मैंने कुछ कोल माइन किया और टॉर्चेस बनाई। अब मुझे बनाना था एक आयरन आर्मर, जिसके लिए मुझे 24 आयरन चाहिए था। देखते हैं कितनी देर तक मिलता है। तो यहाँ पे एक स्पाइडर स्पानर भी है। तो भाई, यहाँ पे रात भी हो चुकी थी और पहली रात तो हमें जाग के गुजारनी पड़ी। मैं बेड बनाने के लिए स्टिंग्स जमा करने की कोशिश कर रहा था और ये बन गई लैगिंग। यहाँ पे फाइनली मेरा आयरन आर्मर कम्प्लीट हो चुका है और आयरन सोर्ड भी, अभी पिकैक्स भी बना। तो ये हमेशा की तरह यहाँ पे ऑफलाइन बैठा हुआ था और मैंने इसे बचाने की कोशिश की तो मेरे एक शॉट से ये मर गया। और हाँ, सो दिस इज़ डे टू एंड आई डिसाइडेड टू माइन। और ड्रोल बाइसाइकिल बाहर खाना कलेक्ट कर रहा है, इतने भी इंग्लिश नहीं आती मुझे। तो भाई, यहाँ पे मुझे इस वर्ल्ड का पहला डायमंड मिल चुका था, मुझे 5 डायमंड चाहिए थे। उसके बाद हमने फॉर्चून निकलवा कर ही माइनिंग करनी है। और यहाँ पे मैंने पहला डायमंड अपना ले लिया है और 5 डायमंड हो जाएंगे तो 3 से हम पिकैक्स बनाएंगे और बाकी के 2 से इंचार्जमेंट टेबल। इंचार्जमेंट टेबल से फॉर्चून निकलवा के हम डायमंड पिकैक्स पे लगा के अपनी डायमंड माइनिंग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मुझे 5 डायमंड चाहिए, 1 मेरे पास हो चुका है और बाकी के 4 देखते हैं। डे 2 में सारा दिन माइनिंग ही करता रहा और डे 3 पे देखते हैं हमें डायमंड मिलते हैं कि नहीं। ये शुगर कैन कुछ मुझे मिले थे वहाँ से, तो मैं इन्हें उतार के यहाँ पे ले आया और ड्रोल बाइसाइकिल यहाँ पे फार्मिंग करने वाला है। तो यहाँ पे ड्रोल बाइसाइकिल ने बेड का इंतज़ाम भी कर लिया था, तो हम फाइनली डे 3 को पहली बार सोए, डे 2 की नाइट शायद। तो डे 3 को मैंने दोबारा से माइनिंग स्टार्ट कर दी और मुझे कुछ लैपिस मिला, ये ज़रूरी था हमारे लिए इसलिए मैंने उठा ही लिया। तो डायमंड ना मिलने पे मैंने स्ट्रिप माइनिंग की और यहाँ पे मैं जाने ही वाला था तो मुझे फाइनली डायमंड्स मिल ही गए और ये थे भी 4। तो अब बारी थी अपना डायमंड पिकैक्स बनाने की और एक एंचेंटमेंट टेबल बनाने की, और हम नेदर में भी जाने वाले हैं। तो भाई, उसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप हाउस बनाना स्टार्ट किया और एक छोटा सा हाउस बनाया। बनाते बनाते मैंने सोचा कि पहले ऑब्सीडियन ले आए, माइनक्राफ्ट का सबसे बोरिंग काम। तो भाई, वापस आ गए, मैंने फार्मिंग स्टार्ट की। उसके बाद अपने घर को थोड़ा सा एक्सपेंड किया, वाह क्या घर बनाया। उसके बाद मैंने मेलन काट के कुछ खाए और कुछ लगाए। तो भाई, ड्रोल बाइसाइकिल पास ही के एक विलेज में गया था तो मैंने घर की सेटिंग स्टार्ट कर दी और बेड ऊपर वाले कमरे में रखे। उसके बाद मैं डायमंड पिकैक्स लेके थोड़ी सी माइनिंग करने गया, थोड़ी सी। मुझे यहाँ पे केव में एक ज़ॉम्बी मिला तो उसे मारने के बाद मुझे पता चला कि उसके पीछे एक स्पानर है। और यहाँ पे इस आइलैंड पे हमें एक ज़ॉम्बी स्पानर भी मिल चुका था, तो एक्सपी फार्म बनाएंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। तो भाई, यहाँ पे ड्रोल बाइसाइकिल वापस आ गया है, मैंने आपको बताया था कि पास के विलेज में गया था। तो ये कुछ पोटैटो और कुछ कैरेट्स वगैरह लेके आया है, तो चलिए इसे लगाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इतने ही लगे हैं, अब ये उगेंगे और फिर हम इसे एक्सपेंड करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो खाने का इंतज़ाम तो हो गया, पोटैटो हम बेक करके खाएंगे, कच्चे थोड़ी ना खाएंगे। तो भाई, यहाँ पे ड्रोल बाइसाइकिल ने नेदर पोर्टल बना दिया और वाह क्या डेकोरेट की है। तो भाई, अब हम नेदर में जाने वाले हैं और फोर्ट्रेस ढूंढ के वापस आएंगे। वाह क्या स्पॉन मिला, ब्यूटीफुल, वैसे ठीक है, इतना भी गंदा नहीं है। नेदर हमेशा की तरह खतरनाक जगह ही है। ओए, वो सामने क्या है, बेस्टियन है वहाँ पे। ओ भाई, लेकिन लावा में है, हम इसे लूटने नहीं वाले।
लावा से हम नहीं लड़ना चाहते। तो यहाँ पे ड्रोल बाईसाइकिल भी आ गया है, तो चलते हैं अपने लंबे सफर पर अपना फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए। यहाँ पे खतरा काफी ज्यादा है हमारे लिए यार। एक तो इस आग ने जलील किया हुआ है, अब ये घास सामने फोर्ट्रेस। यार ये इतना करीब है स्पान के, इसके पीछे थोड़ा सा हमारा स्पान है और यहीं पे फोर्ट्रेस है। वैसे आसान था ढूंढना, इतना भी मुश्किल नहीं था। हड्डियाँ आ जाती हैं पंगे लेने। तो भाई डे 6 से लेके डे 9 तक हमने ब्लेज रोड जमा किए, क्योंकि माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन है और ब्लेजेज अन्य बात तो स्पान होते नहीं, और ब्लेज भी हमने थोड़े बहुत जमा नहीं किए, काफ़ी ज़्यादा जमा किए। तो भाई उसके बाद हमने फोर्ट्रेस को थोड़ा एक्सप्लोर किया और यहाँ से थोड़ी बहुत लूट वूट भी की। तो यहाँ से हमें कुछ नेदर वार्ड भी मिले, हमने वो भी कलेक्ट कर लिए। तो भाई वापस जाते जाते हमें रास्ते में एक ब्लू बायोम मिल गई, तो हमने यहाँ पर रुकने का फैसला किया और 3 दिन तक डे 10 से लेके डे 13 तक हमने एंडरपल जमा किए। तो 16 एंडरपल होने के बाद हम वापस घर की तरफ भागे। उसके बाद पहले ब्लेज पाउडर बनाया और उनसे एंडर आइज। तो भाई डे 14 हमने सारा दिन फार्मिंग की और अपना एक शुगर कैन फार्म बनाया। वो सामने हमारा शुगर कैन फार्म है, उस तरफ कैरेट और वीट फार्म है और ये पोटैटो फार्म है। तो हम अब अमीर हो गए, मतलब खाने की कमी नहीं होने वाली। तो भाई अब प्लान कुछ यूँ था कि हम स्ट्रॉन्ग होल्ड जाके लाइब्रेरी से कुछ बुक्स उठा लेंगे और उसके बाद हम उन बुक्स से विलेजर से इंचांटमेंट लेंगे और विलेजर आएंगे जोम्बी फार्म से, जोम्बी स्पानर से। हाँ तो पहले हम स्ट्रॉन्ग होल्ड चलते हैं, उसके बाद हम वहाँ से बुक्स लेके वापस आके एक्सपी फार्म बनाएंगे। और ये फेंकी अपनी पहली एंडर आई, तो देखते हैं किस तरफ इशारा करती है। तो ये हमारे घर के पीछे की तरफ इशारा करती है और ये गई। तो हमने अपनी अपनी बोट्स बना ली और निकल पड़े अपने लंबे सफ़र पर। तो भाई घर से काफ़ी ज़्यादा दूर आने के बाद हमें ये आइस वाली बायोम मिली और एंडरपल भी यहीं को इशारा कर रहा था, मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड इसी के नीचे है और ये काफ़ी ख़तरनाक बायोम है। ये कैसे स्केलेटन्स हैं, इफेक्ट दे रहे हैं। तो भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड इसी के नीचे था और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक जगह थी, यहाँ पर हम डूब के भी मर सकते थे। तो मैंने यहाँ से ब्लॉक तोड़ा और नीचे जाके ब्लॉक को बंद कर दिया, मैं तो हूँ ही प्रो प्लेयर। तो हाँ हम पहुँच चुके हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड और यहाँ पे एक लाइब्रेरी तो हमें मिल चुकी है, तो इसको लूटना तो बनता है। इसकी चेस्ट होती है एक, उस तरफ है। हाँ इस चेस्ट में देखते हैं हमें क्या मिलता है। एक तो मिली फॉर्च्यून 2 मैंडिंग 1, इंटरेस्टिंग, लूटिंग 2, प्रोटेक्शन 3 और ये बकवास इंचांटमेंट्स। तो ठीक है, गुजारा चलेगा। ऊपर वाली चेस्ट में कुछ खास नहीं था। तो दूसरी लाइब्रेरी से हमें एफिशिएंसी 4 मिल चुकी थी, जो काफ़ी अच्छी थी हमारे लिए, मतलब माइनिंग के लिए। उसके बाद हमने दोनों लाइब्रेरीज खाली कर दी। तो भाई यहाँ पे पोर्टल रूम भी हमें मिल चुका था और एंडराइज भी थी हमारे पास, तो हम इसे एक्टिवेट करके वापस जाएंगे। पहले ये सिल्वर फिश स्पानर तो तोड़ना चाहिए हमें। हाँ तो अब अपनी पोर्टल को करते हैं एक्टिवेट। तो ये होगी एक्टिव और बाकी की जो 2 एंडराइज बची हैं इन्हें वहीं फेंक देते हैं, अब ये किसी काम की नहीं है। और यहाँ पे ऊपर ही समंदर था, तो यहाँ से निकलना तो आसान हो गया था हमारे लिए। उसके बाद हम वापस घर चले गए। फिर हम उसी ज़ोंबी स्पानर के पास गए जो हमें मिला था माइनिंग करते हुए। तो हमने यहाँ पे एक बेसिक सा एक्सपी फार्म बनाया। तो एक्सपी फार्म बनाने के बाद हमें चाहिए था ज़ोंबी विलेजर। ये एक्सपी फार्म नहीं होगा, ज़ोंबी विलेजर फार्म होगा, क्योंकि वाह क्या एक्सपी मिलती है। और यहाँ पे हम इंतज़ार करने लगे ज़ोंबीज़ के स्पान होने की। जैसे कोई ज़ोंबी विलेजर स्पान होगा तो हम उसे क्योर कर लेंगे और उससे हम अच्छी अच्छी बुक्स निकलवाएंगे। तो यहाँ पे एक ज़ोंबी विलेजर आ चुका है और ये आते हुए हम पर हमला करने की कोशिश करेगा अगर मैं नीचे वाला ब्लॉक तोड़ दूँ। तो ये बैठ चुका है बोट में और हम इसके पीछे वाले ज़ोंबी को मार देंगे और वो वाला ब्लॉक भी हमें बंद करना पड़ेगा जहाँ से ज़ोंबीज़ आ रहे हैं। और ये ड्रोल बाईसाइकिल ने बंद कर दिया, तो अब जल्दी से इसे क्योर करते हैं, पोशन ऑफ वीकनेस फेंकते हैं और उसके बाद इसे गोल्डन एप्पल देते हैं। और ये हो रहा है क्योर, आहिस्ता आहिस्ता क्योर हो जाएगा। जब ये विलेजर क्योर हो गया तो हमने इसे यहीं एक छोटे से कमरे में रखा और इसकी ट्रेड बार बार चेंज की ताकि कोई हमें अच्छी बुक दे दे, कोई अच्छी बुक है, पैसा पैसा। उसके बाद हमने एक और विलेजर क्योर किया। उसके बाद हमने इस रूम को थोड़ा सा एक्सपेंड किया और कई विलेजर्स क्योर किए। तो भाई थोड़ी देर ट्रेड चेंज करने के बाद हमें ये विलेजर प्रोटेक्शन 4 देने लग पड़ा, तो हमने काफ़ी ज़्यादा ले ली और यहाँ पे एक कैमरन में प्रोटेक्शन 4 दे रहा था। उसके बाद गोल्डन एप्पल बनाने के लिए मुझे नैदर में जाना पड़ा कुछ गोल्ड कलेक्ट करने के लिए। तो उसके बाद मैंने एक और विलेजर क्योर किया और इससे भी अच्छी बुक लेने की कोशिश की। और ड्रोल बाईसाइकिल इस वक्त गया हुआ था माइनिंग के लिए, और मतलब डायमंड माइनिंग के लिए गया हुआ था, और इससे फॉर्चून मिल चुकी थी प्रोटेक्शन टेबल से, इंचांटमेंट टेबल से।
तो भाई ऐसे ही करते करते मैंने एक बार फिर इस टेबल को चेंज किया और विलेजर क्या देने लगा अभी चेक कर लेते हैं। एक एमरल्ड में अनब्रेकिंग टू, और अनब्रेकिंग टू दे रहा है। तो भाई उसके बाद मैंने कई विलेजर क्योर किए और उनसे कई बुक्स निकलवाई। तो भाई यही करते करते मुझे एक एमरल्ड में मेंडिंग भी मिल चुकी थी, तो हाँ मैं अमीर हूँ। तो डे 26 पे ड्रोल बाइसाइकिल भी माइनिंग से वापस आ चुका था और फॉर्चून की वजह से यार देखो उसको एक स्टैक और 20 डायमंड मिल चुके थे और आयरन भी उसे काफ़ी ज़्यादा मिला था। उसके बाद मैंने इस जगह को थोड़ा और एक्सपेंड किया, तो यहाँ पे जितने भी विलेजर हैं सारे के सारे क्योर किए हुए हैं। तो भाई यहाँ पे हमारे पास एक चेस्ट फुल थी इन्फिनिटी वन की। तो हमारी ये वाली डबल चेस्ट फुल है मेंडिंग से और एक डबल चेस्ट उधर भी है जो मेंडिंग से फुल है। और यहाँ पे ये एक सिंगल चेस्ट है, इसमें हमने शार्पनेस 5 रखी हुई है। ये शार्पनेस 5 हमने थोड़ी ली है क्योंकि ज़रूरत नहीं होगी। और ये मेंडिंग की दूसरी डबल चेस्ट। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये मेंडिंग हमने यहाँ पे लिखा भी है, हर किसी के साथ लिखा हुआ है। और ये है हमारी एफिशिएंसी 5 है सारी, नहीं यकीन होता तो देख लो। और ये है हमारी प्रोटेक्शन 4 है सारी, नहीं होता यकीन तो देख लो। एक कम है, एक का फ़र्क नहीं पड़ता। और ये दो डबल चेस्टेज हमने अनब्रेकिंग 3 के ले ली हैं क्योंकि इसकी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये हम अपनी हर चीज़ पे लगाएंगे, शील्ड से लेके हुई तक। और यहाँ पे एक डबल चेस्ट हमारे सिंगल चेस्ट हमारे पास पावर 5 की है। पावर 5 हम अपनी बॉ पर लगाने वाले हैं। और हाँ, इस पर भी हमने अपना नाम लिख दिया, इसका नाम लिख दिया। और ये वाली चेस्ट हमारी कीमती चीज़ों की, डायमंड और आयरन वगैरह इसमें पड़ा। उसके बाद ये वाली चेस्ट तो है ही खाली और इस तरफ कुछ भी नहीं है। तो हाँ, हमारा जो बुक्स वाला काम है वो कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो भी काफ़ी बड़ा है, तो वो स्टार्ट करना चाहिए। तो भाई ड्रोल बाइसाइकिल का पिकेक्स मैंने रख लिया फॉर्चून वाला, और ये वाला उसे दे दिया नया बना के। उसके बाद मुझे अपने शवल पर सिल्क टेस्ट मिल रही थी तो मैंने वो वाली लगा ली। और अब मेरे पास शवल और पिकेक्स जो है वो फुल पावर्ड थे। शवल पे अभी मैंने एफिशिएंसी 5 वगैरह लगानी है तो जल्दी से लगा लेता हूँ। तो भाई जैसा कि आपको बताया, हम इस वाली वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा बेस बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होंगे। और रिसोर्सेज के लिए हम माइन करने वाले 50x50 का एरिया, मतलब 50x50 ब्लॉक्स का एरिया हम बेडरॉक तक ले जाएंगे। तो ये काम कोई आसान नहीं होने वाला, तो मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। तो भाई उसके बाद हम पासी वाले एक आइलैंड पर आ गए और हमने लाइन लगाना स्टार्ट कर दी जिस एरिया को हमने माइन करना था। तो भाई ये एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा था जिसे हमने माइन करना था, और यहीं पे हमने ये कुछ सेटिंग की, यहाँ पे ओर्स वगैरह की चेस्टिस वगैरह रख दी। ये पिग मेरे पीछे क्यों फिर रहा है? चेस्ट वगैरह हमने रख दी यहाँ पे। ये हो गई हमारी स्टोन की चेस्ट, ये हो गया स्टोन की चेस्ट, ये हो गई कबलस्टोन की, ये एंडरसाइट की, ये डायोराइट की, फिर ये ग्रेनाइट की, फिर ये ग्रेवल की, फिर ये जो डीप स्लेट की सारी काइंड्स होती हैं उनकी चेस्ट होगी डर्ट, फिर ये डायमंड्स अगर मिले तो। रेडस्टोन की एक डबल चेस्ट हमने रख दी, लैपिस लाजुली की सिंगल, और गोल्ड की चेस्ट, और ये दो फालतू चेस्ट। और यहाँ पे हमने एक बना दिया ऑटोमेटिक स्मेल्टर जिसमें हमारा आयरन स्मेल्ट होता रहेगा। और ये जो जगह है ना, इसे ही हम माइन करने वाले हैं। तो भाई लोग, ये काम इतना भी आसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है ये। बस तोड़ी जाओ। वाह, क्या डिज़ाइन बना, क्या तो डिज़ाइन बना। तो यहाँ पे सब हो चुका है, बस ये एक आखिरी ब्लॉक रह गया है और हमने ये सारी की सारी जगह माइन कर ली है। अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ से क्या क्या निकला है। और यहाँ पे ये ड्रोल बाइसाइकिल ने आखिरी ब्लॉक भी माइन कर दिया। कितनी बड़ी जगह है यार ये। तो भाई शुरुआत करते हैं हम कोल से और दिखाते हैं आपको कि हमें क्या क्या मिला है। तो यहाँ पे ये जो डबल चेस्ट है कोल की, ये आधी हो चुकी है, यानी एक सिंगल चेस्ट तो हो चुकी है, और कोल की तो हमें अब कमी नहीं पड़ने वाली इतनी। और यहाँ पे ये जो होपर्स हैं इनमें भी 5-5 स्टैक हैं, यानी 10 स्टैक और भी कोर है हमारे पास, कोर नहीं। और ये जो फर्नेसिस है ना, ये टाइप ऑफ एक्सपी फार्म बन चुके हैं। अब ये देखें, यहाँ से मैंने ये उठाया तो एक्सपी 29 से 37 हो गई। और एक बार जब मैं फिर उठाऊंगा, अभी मेरे पिकक्स की हेल्थ देखें ऑलमोस्ट 95% है, और अभी ये पूरे का पूरा ठीक हो जाएगा। ये देखें, ये 43 मेरी एक्सपी हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं ये दोनों एक्सपी फार्म। इन्होंने 10-10 टैग चीज़ें जला रही हैं, इसी की वजह से ये इतने फास्ट हैं। और यहाँ पे आयरन देखो यार, इतना सारा आयरन हो चुका है हमारे पास कि बस पूछो ना। और आयरन की भी हमें कमी नहीं पड़ने वाली। वैसे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में हमने बना के देखा, आयरन फार्म काम नहीं करता, तो ऐसे ही चलेगा। और कॉपर भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है हमारे पास, एक बार देखो यार, ये डबल चेस्ट भर चुकी है। हम इस कॉपर का करेंगे क्या, मुझे अभी तक समझ नहीं आई इस कॉपर का हम करेंगे क्या, मुझे आज तक क्यों समझ आई थी, अभी तक समझ नहीं आई। तो यहाँ पे लैपिस लाजुली भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, गोल्ड तो वहीं पड़ा है। और ये लैपिस लाजुली की चेस्ट है, और यहाँ पे ये तकरीबन 10 टैग हमारे पास लैपिस लाजुली है। और आगे बढ़े तो रेड स्टोन, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई फार्म वगैरह बनाना होगा तो ज़रूरत पड़ेगी। ये कौन है, चल निकल।
वो की खुल गई है। यहाँ पे हमारे पास डायमंड भी हो चुके हैं 58, तो हाँ हमें कुछ डायमंड भी मिले। तो यहाँ पे चार चेस्ट डर्ट से भरी हुई हैं, डर्ट और ग्लास ब्रोक मिक्स, और ये वाली चेस्ट भी ऑलमोस्ट फुल्ली है। और यहाँ पे ये दो चेस्ट डीप स्लेट की, डीप स्लेट हमें इतने ज़्यादा नहीं मिला क्योंकि वो ऑलमोस्ट 10 या 15 कोऑर्डिनेट से नीचे शुरू हुआ था। ये तीन चेस्ट हमारे पास ग्रेवल की हैं और दो चेस्ट हमारे पास ग्रेनाइट की हैं, दूसरी चेस्ट फुल नहीं है, और डायोराइट भी काफ़ी ज़्यादा है। ये सब कुछ डेकोरेशन में इस्तेमाल होगा। और एंडरसाइट भी ऑलमोस्ट दो चेस्ट ही हैं, और ये जो पूरी लाइन है ना, ये कबल स्टोन से फुल चेस्ट हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने, एक बंदे ने फॉर्चून से तोड़ी और दूसरे बंदे ने सिल्क टच से तोड़ा है। और यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ये सिल्क टच से तोड़े हुए स्टोन की है, और स्टोन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं हमारे पास। अब स्टोन ख़त्म नहीं होने वाला। ओ यार, प्रो प्लेयर हूँ मैं। अब जल्दी से इस सारे आयरन का हम बनाएंगे ब्लॉक्स, सारे आयरन के हम ब्लॉक्स बना लेंगे क्योंकि वो लेके जाने में आसानी होगी, और जो चीज़ें हमें अभी ज़रूरत है वो ले जाते हैं, और बाकी सब कुछ हम बाद में लेके जाएंगे। तो भाई यहाँ पे हम घर वापस आ चुके हैं, और अब हम एक एक्सपी फार्म बनाने वाले हैं क्योंकि हमें फिदर फॉलिंग, फॉर्चून और सिल्क टच जैसी इंचानमेंट्स चाहिए, तो विलेजर से निकलवाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने सोचा कि एक एक्सपी फार्म बना लेते हैं, पोटैटो एक्सपी फार्म। पोटैटो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हुआ हुआ है, तो यहाँ से मैं कैल्प लेने आया हूँ। अब हम ड्राइड कैल्प ब्लॉक से जलाएंगे सब कुछ। माना कि हमारे पास कोल कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन वो बाद में भी हम यूज़ कर सकते हैं, इतना यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी मैं कैल्प लेके जा रहा हूँ, और फिर बनाते हैं, शुरू करते हैं, पोटैटो एक्सपी फार्म बनाते हैं। तो यहाँ पे बैम्बू यूज़ करके हमने कैल्प को जला लेना है, और उसके बाद हम ड्राइड कैल्प ब्लॉक बना लेंगे उससे, और ये काम हमारे लिए थोड़ा सस्ता भी होगा। तो यहाँ पे जल्दी से रख लेते हैं सारी कैल्प। तो भाई जब तक कैल्प जल रही थी तब तक मैंने कुछ ट्रीज़ उगाए और उन्हें काटा, और ये ट्रीज़ पूर्स के थे क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो भाई यही फर्नेसेस के साथ हमने यहाँ पे एक स्मोकर रख दिया है जिसमें हम पोटैटो जला रहे हैं, और यहाँ पे ड्राइड कैल्प, अभी तक कैल्प ड्राई हो रही है और उसके ब्लॉक्स बना बना के हम उसमें रखी जा रहे हैं। और यहाँ पे ये बंद ना हो जाए इसके लिए हमने यहाँ पे कोल भी रख दिया है। तो भाई यहाँ पे एक्सपी फार्म जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे जल्दी से अपनी सारी की सारी इंचांटमेंट्स उठाते हैं और अपने आर्मर को फुल इंचांटेड, फुल पावरफुल आर्मर बना लेते हैं। तो हाँ, हमारा एक्सपी फार्म काम कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, हमेशा की तरह फास्ट ही होता है। अगर आपने भी जानना है कि कौन सी इंचांटमेंट्स बेस्ट है हमारे आर्मर के लिए, तो अभी जाओ और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है हमारी इस वाले वीडियो को देखो। तो भाई हमने अपने आर्मर्स, टूल, हुई और शेयर तक को नहीं छोड़ा, सबको इंचांट कर डाला है। और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है क्योंकि 50 डेज ख़त्म हो चुके हैं, और नेक्स्ट वाले 50 डेज में हम पहले तो एंडर ड्रैगन को मारेंगे, उसके बाद धमाका करेंगे। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आर्ट बाय मिरू ऑन इंस्टाग्राम।